कैथल के जिला रोजगार कार्यालय में सरकारी आईटीआई के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में करीब 400 युवाओं ने हिस्सा लिया। होंडा के अलावा स्थानीय कंपनियों ने भी युवाओं के इंटरव्यू लिए। मेले में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से भी युवा बेरोजगार पहुंचे थे। आइए मेले के संबंध में कैथल के सरकारी आईटीआई के अधिकारी प्रमोद कुमार की बात सुनते हैं। रोजगार मेला हमारे कैथल जिला के रोजगार कार्यालय और आईटीआई के आपसी सहयोग से लगाया जा रहा है और इसमें जो है करीबन 400 बच्चे आने की उम्मीद है और फिलहाल हमारे पास 300 के आसपास बच्चे आ चुके हैं और इनका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रक्रिया जो है शुरू है और जो भी इनका प्रोसीजर है उस हिसाब से जो है कि हाँ 200 से या 250 से ऊपर बच्चों को रोजगार देने की उम्मीद है। यहाँ जो अभी फिलहाल मेला जो लगा हुआ है तो उसमें हमारे 10वीं के भी बच्चे आ रहे हैं, 12वीं के भी आ रहे हैं, बीए भी हैं, ग्रेजुएट हैं और आईटीआई से भी हैं। तो जो हमारी कंपनियां हैं, जो भी फर्म है, उनको हर तरह की रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई कार्यालय में भी बच्चे चाहिए और कुछ टेक्निकल भी चाहिए तो उस हिसाब से सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और वो अपने जो भी प्रक्रिया है उनका इंटरव्यू का या जो भी प्रोसीजर है उसके तहत ये बच्चे को यहाँ से प्लेसमेंट करके ले जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से रिप्लेस हों ताकि उनको अच्छा रोजगार मिले और सरकार का जो कार्यक्रम है वो बृहद रूप से और अच्छी तरह से चल सके, मैं यही कामना करता हूँ। मैं ओपन है बिल्कुल, दूसरे जिला से भी बच्चे आ रहे हैं, सभी जगह से आ रहे हैं बच्चे, दूर से भी है, पानीपत और जींद और इधर चीका साइड से भी बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। मेन है कि बच्चे के पास हुनर है और उस हुनर के हिसाब से फर्म उसको अपने पास रोजगार दे रही है। कंपनियां जो है सर यहाँ करीबन 8-9 कंपनियां हैं और जो है कि एक तो जैसे होंडा की भी है और यहाँ लोकल जो है 4-5 है, एक अपना जो है कि पद्मा सिटी से भी है, इस तरह से 7-8 कंपनियां हैं हमारे पास। ये सर जो है कि वो अभी बच्चों को लेके जाएंगे, उनका काम देखेंगे, अगर उनको बहुत अच्छा लगा तो वो उनको परमानेंटली कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। रोजगार मेले के संबंध में अपने अनुभव भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।